स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्नर बाय दिव्या मैम। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इक्वेशन है 297 × 17 + 297 × 3। इसमें हम देख पा रहे हैं कि 297 ये भी है और ये भी है, तो क्यों ना इसको कॉमन लिख लेते हैं, एक बार में लिख लेते हैं ना। तो हम इसको क्या करते हैं, 297 को लिखते हैं अलग और ब्रैकेट के अंदर बच्चों जो डिजिट है उनको लिख लेते हैं। बच्चों डिजिट है 17 प्लस का साइन प्लस 3। ओके, नाउ 297 × 17 + 3 = 20 हो गया ना छोटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 297 × 20। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, जहां इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है ना, आगे जीरो आता है, तो उस जीरो को हम पहले यहाँ उठा के रख लेंगे और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 2 से, क्योंकि जीरो तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 2 9 × 2 18 4 और ये 5 क्या है, 594। तो 5 9 4 0, 0 हमने पहले से लिखा हुआ था। सो द आंसर फॉर ए पार्ट विल बी 5 9 4 0। ओके, समझ में आ गया, बहुत इजी है। हमें सिर्फ इसको कॉमन करके लिख लेना है, तो हमारी इक्वेशन है ना वो थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ये था ए पार्ट, चलते हैं बी पार्ट की तरफ। सो बच्चे लोग, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 54279 × 92 + 8 × 54279। अगेन एक ही डिजिट हमारी दो बार रिपीट हुई है, ये वाली और ये वाली, तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 5 4 2 7 9 कॉमन लिया, मल्टीप्लाई का साइन भी ले लिया। अब बचा है अंदर हमारा 92 + 8। कैसे क्या हो गया ये, 5 4 2 7 9 × 100। 92 + 8 क्या होता है, 100। क्लियर दिख रहा है, थोड़ा मार्कर शायद लाइट चला यहाँ पे मेरा। तो अब बस ये तो फिर से बहुत सिंपल हो गया, इसमें तो सिंपल हमें पता है, आगे बस जीरो लगा देने हैं, 5 4 2 7 9 और 2 जीरो इसके, 0 0, सिंपल। कितना इजी है ना मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना, इसने। तो ये था हमारा बी पार्ट, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो मेरे बच्चे लोग, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 81265 × 169 - 81265 × 69। ठीक है, ये डिजिट सेम है तो इसको हम कॉमन लेंगे, 81265 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 169 माइनस का साइन है यहाँ पे, -69। 81265 × 169 - 69 100, सिंपल हो गया। जहां ये 100 या 1000 ऐसा कुछ आता है ना, तो आप लोग के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ ही जाती है, तो हो गया ना सिंपल। तो आंसर तो इसका बहुत इजीली आप लोग निकाल दोगे, 81265 00। तो ये था आंसर हमारे पार्ट सी का, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो बच्चा लोग, ये पार्ट थोड़ा आपको दिखने में टिपिकल लग रहा होगा। इसमें क्या है, 3845 × 5 × 782 + 769 + 25 × 218। तो थोड़ा दिखने में ये टिपिकल है और थोड़ा ज्यादा सॉल्व भी करना पड़ेगा, बट यकीन माने बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। चलते हैं, 3 8 4 5 × 5
इंटू 782 प्लस 769। अब जो ये 25 है इसको हम ब्रेक कर ले। क्यों ब्रेक करा? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना 5 है, तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो 5 आ जाएगा ना, कॉमन मिल सकता है ना कुछ। देखते हैं, 5 × 5 × 2 = 8। ओके, सिंपल हमने ब्रेक करा, 5 × 5 = 25 होता है ना, सिर्फ ब्रेक करा है, तो कुछ नहीं करा है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं 3 × 8 = 5 × 5 × 7 = 82 + 7 = 69 × 5 है, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखे क्या आता है। 769 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 9 × 5 = 45 = 4, 6 × 5 = 30 = 4, 7 × 5 = 35 + 3, ओ माय गॉड, ये तो 3845 आ गया, ये वाली डिजिट आ गई, इजी हो गया। नाउ 3845 इसका था × 5 × 2 = 8। सो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इसमें हम देखेंगे 3845 × 5 और 3845 × 5, दो दो चीजें कॉमन मिल गई इसमें, तो हमें तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 3845 × 5, इसको हमने कॉमन लिख लिया। अब जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में आएगा 782 + 218। ओके, अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 782 = 218। इट विल बी 1000, तो हो गया हमारा 3845 × 5 ब्रैकेट के अंदर 1000। इसको भी सॉल्व कर लें, 3845 × 5 से 2 × 8 × 5 = 40 = 42 4 × 5 = 3 = 15 19 15 16 19 2 2 5 1 9 2 2 5 1 9 2 2 5, और यहाँ पे था 1000, तो कितने जीरो आ जाएंगे आगे, 0 0 0। ओ बाबा रे, इतना बड़ा आंसर आया इतने बड़े क्वेश्चन का, और आप लोग ने कितनी इजीली कर लिया ना, तो अभी जाके अपने मम्मा पापा को दिखाना कि मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। तो ये था लास्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का, चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।